जेड न्यूज के साथ दिलीप कुमार कौशल। यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, जो लोगों का हुजूम लगा हुआ है, ये बता रहे हैं कि रहमत नगर तालाब के पास इनको मगरमच्छ दिखाई पड़ा है। बाराबंकी जनपद के कस्बा जहांगीराबाद के पास रहमत नगर गांव के तालाब में एक मगरमच्छ दिखा गया है। मगरमच्छ को देखकर लोगों में काफी डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी भरकम मगरमच्छ अपने शिकार पर तालाब में किनारे पड़ा हुआ था, जिसको देखकर कुछ लोगों ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, जिसे देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की काफी भीड़ लग गई। भीड़ भाड़ को देखते हुए मगरमच्छ पानी में उतर गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने थाना जहांगीराबाद को सूचना दी, जिससे थाना जहांगीराबाद की टीम व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू हो गया। हालांकि खबर मिले तक मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सका है, पकड़ नहीं पाए हैं। और यहां वन विभाग की टीम भी आई और हमारे थाना जहांगीराबाद की भी फोर्स यहाँ पे तैनात थी, मगर अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। भैया आपका नाम क्या है? अभी तक ये भाई साहब बता रहे हैं कि काफी मेहनत करने के बाद भी अभी तक इनको कोई सफलता नहीं मिली है। और यहाँ तक कि वन विभाग की टीम भी आई थी और अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि भैया अगर ये नहीं निकलेगा तो लोगों गांव के लोगों के लिए काफी दहशत की बात है। बहुत दिक्कत है, ये गांव में भी जा सकता है, बच्चों के लिए नुकसान है, जानवर के लिए भी नुकसान है। और कोई जो आया लैट्रिन बाथरूम तालाब में या रखा हो तालाब में सोचने का, उसको भी पकड़ने की दिक्कत है। मतलब बहुत सी दिक्कत है, जब तक पकड़ ना जाए तब तक इसमें कोशिश वन विभाग की टीम ने क्या किया? रास्ता छोड़ दो, हम ही तीन लोग किए, बाकी जाल ला के दे, जाल एकदम फटा दिया, साला पूरा जाल हटता ही नहीं था। मतलब वन विभाग की टीम ने आपकी कोई मदद नहीं की? मदद का साथ में खड़े थे, सब साथ में खड़े थे। उन्होंने ऐसा क्या बताया और क्या कहा कि मगरमच्छ निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो कब आएंगे, उन्होंने क्या बताया? बोला था कि हम लोग यहीं पे रुकना और देखते रहना, सुबह हम आएंगे। यहाँ क्या सहयोग किया आपका? गांव के निवासी जो हैं, यहां के रहने वाले, उन्होंने ये बताया कि वन विभाग की टीम आई थी, परंतु इतना छोटा जाल दिया कि वो मगरमच्छ के पकड़ से बाहर था और अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। देखना ये है कि कल सुबह वन विभाग की टीम क्या करती है और कितना अच्छा वो सहयोग देती है, जिससे कि मगरमच्छ पकड़ा जा सके। ए एजेड न्यूज के लिए दिलीप कुमार कौशल की रिपोर्ट, जहांगीराबाद, बाराबंकी।